है कि अभी मैं उसको बुक कर दे रहा हूँ तो, बट ही इज टेलिंग 60 to 90 days, बट ऑफ कोर्स यदि मैं यदि मेक योर ओन लेता हूँ, देयर इज अ टू ऑप्शन, वन इज बेसिक कंप्लीटली पीस और एंड देयर इज अ वन मेक माय मेक योर ओन मॉडल. एग्जैक्टली. ओके, सो इफ आई एम डूइंग अ मेक योर ओन मॉडल मींस इन माय स्टेलर द व्हीकल विल बी पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर्ड ओनली फॉर यू ऑन योर नेम विद द बैड जैस्मिन. यू कैन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है मेरे लास्ट पिछले 2-3 वीडियोस में, सर आपको डिलीवरी कब मिलेगी, हमेशा से बहुत लोगों ने पूछा है कि सर डिलीवरी कब मिलेगी, डिलीवरी कब मिलेगी, डिलीवरी कब मिलेगी. गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं अपने पिछला वाला वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. डिलीवरी जैसे आप लोगों को पता है, मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया था जब मैं बुकिंग करने के लिए गया था, ऊपर पे भी लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके क्लिक कर सकते हो. तो उधर पे उन्होंने बताया कि डिलीवरी टाइम इज 60 to 90 days. मैं जब बात कर रहा था कल में अपने डीलर से तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. उम्मीद करता हूं आप लोग यदि कोई भी जो लोग प्लान कर रहे हो बुक करने का, आप लोगों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. गाइस हो सके तो इस वीडियो में 50 likes आने से बहुत बेटर है. जो लोग भी मेरे इनफील्ड्स के वीडियोज देख रहे हो, 50 likes मिलने से थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि देयर इज ए 2 kind of booking, जैसे कि मैंने अपने बताया था जब मैं बुकिंग करने के लिए गया था. एक है आपका मेक योर ओन बाइक, ओके, और दूसरा है नॉर्मल बुकिंग. पहले अब मैं दूसरा बुकिंग के बारे में बोलता हूँ. बुकिंग ये होता है कि जब आप डायरेक्टली शोरूम जाओगे और आप जाके बुक कर सकते हो व्हीकल को, देख के पसंद करके यू कैन बुक द व्हीकल विदाउट एनी कस्टमाइजेशन. विदाउट एनी कस्टमाइजेशन बोले तो मतलब आप यदि फायरबॉल ले रहे हो या फिर स्टेलर ले रहे हो या फिर सुपरनोवा ले रहे हो, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरर करके देगी विदाउट एनी एसेसरीज और विदाउट एनी एडिशनल आपका इक्विपमेंट, कुछ भी. बिकॉज जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि इस बार रॉयल एनफील्ड मेटियो 350 आपका कस्टमाइजेशन के साथ आ रहा है, वो भी कंपनी कस्टमाइजेशन. ठीक है, तो आप यदि विदाउट एनी कस्टमाइजेशन बुक करते हो, इनिशियली आपको बोलना पड़ेगा. ऑन दैट केस यू विल गेट योर व्हीकल within 60 to 90 days. ओके, अब आती है पहले वाला क्राइटेरिया जो कि मेक योर ओन व्हीकल. चलो इसके बारे में हम लोग अभी सिस्टम के अंदर चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं. दिस इज कॉल्ड रॉयल एनफील्ड वेबसाइट. ओके, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना आप. सी वंस यू रीच दिस ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगा, आई विल शो यू मेक इट योर बुक नाउ बोल के. ओके, तो इधर पे जाके मेक योर उट में आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. सो आप कर्नाटका बैंगलोर रजिस्ट्रेड से हो, कंफर्म कर देना आप कौन सा बाइक चाहते हो, फायरबॉल चाहते हो, स्टेलर चाहते हो या सुपरनोवा चाहते हो. तो आप तीन चीज़ जो भी चाहते हो आप, क्योंकि मैंने लिया है स्टेलर, सो आई विल क्लिक ऑन दिस स्टेलर. सो बुक ए टेस्ट ड्राइव, उसके पहले कॉन्फिगर नाउ. तो आप जब कॉन्फिगर नाउ करोगे तो इधर पे आपकी सब कुछ आती है. ओके, यू विल फाइंड एवरीथिंग, कलर कौन सा है. सी यू कैन ऑन रोड प्राइस इज 2,25,000, जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में दिखाया था. सो यू कैन चूज द कलर फ्रॉम हेयर. मैंने जैसे स्टेलर ब्लैक लिया है, ये वाला. ठीक है, ओके, स्टेलर ब्लैक. दूसरा है साइलेंसर, मुझे किस तरह की साइलेंसर चाहिए. बेसिक साइलेंसर ये है, आपको पता है दिस इज द बेसिक साइलेंसर, बट इफ यू नीड दिस काइंड ऑफ साइलेंसर देन यू कैन चूज एनी ऑफ द साइलेंसर. ओके, फिर उसके बाद आता है आपका मिरर. बेसिक मिरर क्रोम फिनर है, यदि आपको क्रोम पसंद नहीं है तो यू कैन ऑफ्ट एनी अदर दिस काइंड ऑफ मिरर. टूरिंग मिरर किट बोलते हैं इसको, इसका 4,000 कॉस्ट है. बार एंड मिरर, सो जो भी आप ऐड करोगे वो इधर पे आपके कार्ट में ऐड होते जाएंगे. ठीक है, तो ये है आपका. तो दीज आर द थिंग्स. और उसके अलावा आप यदि पर्सनलाइज कराना चाहते हो, ये सब लेना चाहते हो, प्रोटेक्शन गार्ड, ये इसको मैंने ऐड कर दिया. दिस इज़ द बेसिक वन, ये बहुत ही खूबसूरत है. जब इसका ओरिजिनल वीडियो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा. फिर आपका कंफर्ट सीट, ये आपके बेसिक जो आपके जो कम्फर्ट बेसिक सीट है, आप इसको नहीं चाहते हो, आप यदि दूसरे सीट्स चाहते हो, ये आपके एडिशनल आपके फुट रेस्ट है जो इधर पे लगते हैं इन दिस पोर्शन. इसको आप नहीं चाहते हो, यहाँ पे और एक एडिशनल लगाना चाहते हो तो इसको भी लगा सकते हो आप. पर्सनलाइज चीज़, ओके, सो पैनियर्स लगा सकते हो, विंडशील्ड लगा सकते हो, सीट चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन एबल टू डू कस्टमाइज.
सो इसके बाद जब आप यहाँ पे जब कार्ट पे जाओगे तो आप सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देना सकते हो देवराज सेव बोल के, ठीक है। ओके सो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, क्रिएट अकाउंट मांगेगा। ओके उसके बाद जब ये सब हो जाने के बाद जब आप इसको जब क्रिएट अकाउंट करोगे ये डायरेक्ट आपके रॉयल एनफील्ड के वेबसाइट में चला जाएगा, वहाँ से मेल आएगा, फिर आप जाके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यदि आप ऑनलाइन के थ्रू बुक करते हो, यदि या फिर बोल सकते हो मेक योर ओन कस्टमाइजेशन कर सकते हो, तब आपको व्हीकल मिल जाएगा विद इन 30 डेज, और उसकी जो बुकिंग की जो अमाउंट होती है वो भी आपका ज़्यादा होता है। मैंने जो बुक किया था वो 10,000 से किया था, और वो वाली जो बुकिंग होती है वो 15,000 में बुकिंग होती है। दिस मेक योर ओन वाले में 15,000 की बुकिंग होती है, बिकॉज इसका मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो है ये कम्प्लीटली कस्टमाइज है आपके लिए, वो लोग आपके लिए बना के दे रहे हैं। सो इसीलिए क्या हो कि एक बार आपने बुकिंग कर दिया तो इसका कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा, कोई यदि आप कैंसिल भी करना चाहते हो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस व्हीकल इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइज फॉर यू। ओके और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सोचा कि वो बाद में बताऊंगा लेकिन इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि आप कोई भी कस्टमाइजेशन 4,000 के ऊपर ले रहे हो देन यू विल गेट ए स्पेसिफिक बैच, आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने तो बुकिंग मेरे पास तो आया नहीं है बिकॉज आई विल डू द कस्टमाइजेशन आउटसाइड ओनली एज ऑफ नाउ, मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं जब व्हीकल आएगा तब मैं देख सकता हूँ, आई कैन थिंक ऑफ इट। ओके सो दिस इज द थिंग। सो इनिशियली आप यदि बोल दोगे कि मुझे ऑनलाइन से कस्टमाइज पहले से यदि बुकिंग के टाइम कस्टमाइजेशन करके ऑर्डर दे दोगे तब आपको बाय डिफॉल्ट आपको लेना पड़ेगा कस्टमाइजेशन, तब आपको व्हीकल विद इन 30 डेज मिल जाएगा। तो गाइज आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मैं अभी बेसब्री से मेरे अपने बाइक का वेट कर रहा हूँ, बुकिंग तो मैंने कर दिया है, अभी जस्ट अर्ली 1 वीक ही हुआ है, 1 वीक नहीं या 1 वीक ही हुआ है, 10 डेज करीब कुछ हुआ है, तो आई डोंट नो अनदर स्टिल 50 डेज लेफ्ट। सो आप लोगों को इस बारे में क्या राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, तो मुझे जान के बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ओके, और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, और जिन लोगों को भी ये वीडियो की ज़रूरत है शेयर कर देना। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, सी या बाय बाय, मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, ओके, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स, बहुत से चीज़ें बतानी है जब भी रॉयल इनफील्ड मीटिंग रहेगा, बिकॉज माइलेज टेस्ट और भी डिटेल्स, फीचर्स, एसेसरीज सब कुछ मैं बताऊंगा। ये सब जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मुझे ट्रैवल फूड वगैरह कितना पसंद है। ट्रैवल फूड के ब्लॉग भी देखना चाहते हो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं, सारे वहाँ पे डाले हुए हैं, ओके, सो दैट्स द थिंग। और आप मेरे को कम्युनिटी टैब में भी फॉलो करो, मैं क्योंकि छोटा छोटा अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा। तो दीज आर द थिंग्स है, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार में।